हेलो गाइस, वेलकम टू डैनो केमिस्ट्री। और आज का जो लेक्चर है वो मेरा क्या है, केमिकल काइनेटिक। ठीक, तो आज हम क्या बात करेंगे, केमिकल काइनेटिक के बारे में। चलिए बात करते, क्या केमिकल काइनेटिक। तो आप देख सकते हैं क्या, केमिकल काइनेटिक नाम से क्लियर चल रहा है क्या कि केमिकल मीन्स क्या, केमिकल केमिकल रिएक्शन। ये इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक मीन्स क्या, मोशन। क्या मोशन मतलब कि ये जो केमिकल है, जो केमिकल कोई भी रिएक्शन है उसका जो टाइम होगा, मतलब टाइम कितना टाइम ले रहा है वो हम बात करेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या केमिकल रिएक्शन का क्या हम बात करेंगे, मोशन। मोशन मोशन में तो क्या आप क्या टाइम के बारे में, टाइम कितना ले रहा है, कितना टाइम वो रिएक्शन हो रहा है और कितना मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, ये सब बात करेंगे। ठीक, और इसके अलावा भी हमको क्या कुछ पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम इसको पहले मिटा ले रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे केमिकल काइनेटिक। तो पहला क्या, वही उसके मोशन के बारे में, केमिकल जो रिएक्शन रहा है उसका मोशन मतलब क्या, एक तरह से स्पीड बात करें क्या, स्पीड स्पीड। दूसरा क्या, दूसरा फैक्टर हो जाएगा क्या कि उसमें जो आपका जो रिएक्शन है, रिएक्शन है वो कौन कौन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक, डिपेंड्स जैसे कौन कौन हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा टेम्परेचर, दूसरा क्या हो सकता है कंसंट्रेशन। राइट, ये हम डील करें किस में डील करेंगे, ये हम डील करेंगे आपका आरहेनियस इक्वेशन। किस में, आरहेनियस आरहेनियस इक्वेशन। ठीक, और ये जो है कंसंट्रेशन टर्म हम बात करेंगे क्या, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। राइट, ये सो हो गया। ठीक, और अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और भी बहुत सारा हमको इस चैप्टर के बारे में पढ़ना है, इस चैप्टर में और भी हमको बहुत चीज़ पढ़ना है। एक तो ये हो गया आपका थोड़ा सा ओवरव्यू, हालांकि हम जब बताएंगे तो धीरे धीरे हम आते जाएंगे, हालांकि आप चाहे तो देख सकते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हम आपको डिटेल में बता दें कि क्या क्या हमको पढ़ना है। ठीक, सिंपल सा बोले क्या, पहला वही आर ओ आर मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, क्या रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड हो जाएगा वो क्या, फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर अफेक्टिंग आर ओ आर। इसमें क्या क्या हो जाएगा, टेम्परेचर और क्या कंसंट्रेशन, क्या कंसंट्रेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे आरहेनियस इक्वेशन, क्या आरहेनियस इक्वेशन। और देख सकते हैं आप क्या पढ़ेंगे, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या पढ़ सकते हैं हम लोग, क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, पांचवा क्या पढ़ेंगे, मोलिक्यूलरिटी, क्या मोलिक्यूलरिटी। ठीक, इसमें जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर। हालांकि एग्जाम में अभी क्या आया, फर्स्ट से ही आया और क्या जीरो से आया, हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में सेकेंड नहीं मेंशन किया हुआ है, आप में क्या सिर्फ फर्स्ट और क्या जीरो ऑर्डर का, कौन है ये आपका जीरो ऑर्डर, क्या है आपका जीरो ऑर्डर है। ठीक, तो ये और इसका भी हम बात कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि फ्यूचर में आ सकता है इससे भी क्वेश्चन। ये हो गया मोलिकुलरिटी बात करेंगे, फिर क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे पैरेलल रिएक्शन, पैरेलल रिएक्शन ये सब बात करेंगे, और भी बहुत सारा है, और भी बहुत सारा हम बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं क्या आज का जो लेक्चर किस पे बेस्ड है मेरा, रेट ऑफ रिएक्शन पे। राइट, तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, आर ओ, ये जनरल कितना टाइप का होता है आपका, दो टाइप का, ये क्या होता है एवरेज रेट, क्या एवरेज रेट। दूसरा क्या होता है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। राइट, पर इसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। राइट, ये और ये इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले इसके बारे में हम लोग
बात करते हैं, देख सकते हैं। जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, मतलब किसी भी अगर किसी भी रिएक्शन का अगर हमको आर वार निकालना हो, पहले हम वो सीखते हैं, ठीक, कैसे निकालेंगे। हालांकि वो इजी है, देख सकते हैं। जैसे हम बात किए कि कोई रिएक्शन है क्या, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, ये ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, और इसका हमको क्या निकालना हो, आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है आपका, कंसंट्रेशन बाय टाइम, क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए इसका निकालना हो तो क्या करेंगे, डी ए मीन्स क्या, इस तरह से ये क्या है, कंसंट्रेशन है, ये जो आपका है स्क्वायर ब्रैकेट, ये क्या, कंसंट्रेशन बाय टाइम इक्वल टू डी बी बाई डी टी इक्वल टू डी सी बाई डी टी और इक्वल टू डी डी बाई डी टी, ये इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि क्या कि समय के साथ साथ आपका प्रोडक्ट इंक्रीज़ करता है और जो आपका रिएक्टेंट है वो क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। तो जो भी रिएक्टेंट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, और जो प्रोडक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपियरेंस बोलते हैं, ठीक। तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे कहीं पे बोलेगा ये, तो ये क्या कर रहा है, टाइम के साथ क्या कर रहा है, ये तो डिक्रीज़ करेगा ना, प्रोडक्ट बनेगा तो ये इंक्रीज़ कर रहा है, ये क्या, डिक्रीज़ करेगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, और इसमें क्या लग जाएगा, माइनस, और ये दोनों इंक्रीज़ कर रहा है तो इसमें क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक। तो अगर कोई बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक, तो मतलब किसका बात कर रहा है, सिर्फ रेट ऑफ किसका बात कर रहा है, सिर्फ रिएक्टेंट का बात कर रहा है रेट, तो क्या हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा मेरा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा मेरा, रेट ऑफ अपियरेंस हो जाएगा, सॉरी डिसअपियरेंस हो जाएगा। तो पहले क्या कीजिए, आप इतना पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बात करते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो देखिए अगर ये यही था ना, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, अगर बोलेगा क्या, रेट ऑफ अपियरेंस, मतलब किसका बात कर रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है, प्रोडक्ट का, तो उसमें क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, लेकिन जब भी इसका बात करते हैं इसमें क्या लगेगा, निगेटिव, क्यों, टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज कर रहा है, क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी इक्वल टू डी इस तरह से बाई डी टी, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ अपियरेंस इसको बोलते हैं, ठीक। किसी का भी हम क्या निकाल सकते हैं, आर ओवर, समझ में आया, ये हो गया आर ओवर निकालना। अब देखिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल, और हाँ एक जनरल फॉर्मूला पहले ले लेते हैं, जनरल, तो मान लीजिए इस तरह से है, ए एक्स प्लस बी वाई गिव्स सी जेड, इस तरह से दिया हुआ है, फिर क्या बोलना है, सी जेड, सी क्या है, इसका कोफिशियंट है, बी इसका क्या है, कोफिशियंट, और इसका क्या, ए क्या है, कोफिशियंट है, अगर इसका हमको क्या निकालना हो, आर ओ आर, ठीक। तो जो भी इसका कोफिशियंट है, जो भी इसका कोफिशियंट है, वो चला जाएगा किस में, नीचे चला जाएगा इस तरह से, यह क्या है आपका रिएक्टेंट है ना, तो क्या हो जाएगा, वन बाई डी एक्स बाई डी टी, ठीक, और ए जो कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा, वन बाई ए, उसी तरह से क्या हो जाएगा आपका, यह भी रिएक्टेंट है तो माइनस वन बाई बी डी वाई बाई डी टी, ठीक, फिर क्या हो जाएगा आपका, वन बाई सी डी जेड बाई डी टी, इस तरह से, ये क्या हो गया, जनरल फार्मूला, क्या हो गया, जनरल फार्मूला हो गया, समझ में आया, और ये हो गया। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए आप नोट कर लिए होंगे,
तो किसी का आप निकाल सकते हैं ना आर ओवर रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन था नीट का, इसी पे क्वेश्चन पूछा था, नीट 2019 का क्वेश्चन था। एक मिनट, क्वेश्चन मेरे पास होगा। तो ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन पूछा था, ठीक, नीट 2019 का ये क्वेश्चन था, बोला था कौन सा ऑप्शन सही है। 2019 का क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप देख सकते हैं। आसान क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अल नीट का क्वेश्चन उतना टफ नहीं पूछता है, ठीक। जेई का क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगता है नीट से। अब देखिए यही क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना, सिंपल आर ओ आर क्या निकालेंगे, आर ओ आर हम निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस डी एन टू बाई डी टी इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री डी एच टू अपॉन डी टी इक्वल टू वन बाई टू डी एन एस थ्री बाई डी टी, यही ना होगा। देखिए अब बस इसी से मैच करना है, तो माइनस डी एन टू बाई, यहाँ पे कितना है एस टू वन बाई थ्री, वन बाई थ्री चलिए सही है, वन बाई टू माइनस प्रोडक्ट माइनस कहाँ से आएगा, ये क्या है रेट ऑफ क्या है अपियरेंस है ना, तो इसमें पॉजिटिव होगा ना, तो ये गलत हो गया, ठीक। अब देख सकते हैं यहाँ पे आप ये हो गया, तो ये तो कट गया थ्री है, ये वन बाई थ्री है, लेकिन यहाँ पे क्या माइनस वन बाई टू है, ये भी कट गया, ये क्या है आपका माइनस, आसान क्वेश्चन था, ये भी गलत है, क्या होगा फोर्थ इधर राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा फोर्थ इधर राइट आंसर। ये क्वेश्चन था छोटा सा क्वेश्चन, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन था, आप ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जल्दी से इसको अपने नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए अब हम बात करते हैं, क्या मिटाते हैं इसको पहले, अब देखिए ये तो क्या निकालना हम लोग सीख गए, आर ओ आर निकालना सीख गए, और एक और हाँ जनरली जो हम लोग निकालते हैं क्या रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालते हैं, तो मॉडरेट रिएक्शन का निकालते हैं, किसका मॉडरेट का, नहीं फास्ट का निकालते नहीं स्लो का निकालते, क्योंकि फास्ट का हम लोग रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, नहीं स्लो का भी, क्योंकि स्लो काफ़ी इतना ज़्यादा स्लो होता है कि वो डिटरमाइन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक। तो जनरली क्या करते हैं मॉडरेट का करते हैं, और कोई अगर रिएक्शन अगर स्लो हो रहा है तो उसमें आपको पता है क्या डाल देते हैं कैटलिस्ट डाल देते हैं, उससे क्या होता है वो रिएक्शन अपना मतलब कि टाइम कवर कर लेता है जल्दी, ठीक। तो वो सब तो बात की बात है, तो किसका निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन का, राइट, ये हो गया। अब हम क्या बात करते हैं एवरेज रेट, किसका एवरेज, एवरेज रेट के बारे में, ठीक, एवरेज रेट। और देखा जाए तो एवरेज रेट को क्या ये किससे इंक्लूड करेंगे, डेल्टा से, मतलब डेल्टा सी बाई डेल्टा टी इस तरह से, ठीक, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, ये हो गया। तो एवरेज मतलब कहने का क्या मतलब, जैसे समझिए कि मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं कब, किसी दिन आपको लगा एक घंटा लगा स्कूल जाने में, राइट, और किसी दिन आपको लगा 45 मिनट, और किसी तीसरे दिन लगा आपको क्या 50 मिनट। तो आपसे पूछेगा कोई, अगर आपसे कोई पूछे कि आप तुमको स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, अप्रोक्स एक घंटा, मतलब क्या देखते हैं टाइम देखते हैं, मतलब कब से कब पहुँचे, मतलब क्या देखें इनिशियल से हम लोग क्या देखते हैं सिर्फ फाइनल पोजीशन देखते हैं, ठीक। उसके बीच का क्या निकालते हैं डिफरेंस निकालते हैं, वही क्या हो गया आपका एवरेज रेट हो जाएगा, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा एवरेज, मतलब क्या इनिशियल देखना है और फाइनल देखना है, मतलब कंसंट्रेशन इनिशियल कितना लिए हैं और फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो रहा है, उसी तरह से टाइम इनिशियल कितना लिए और टाइम फाइनल कितना हो रहा है, बस दोनों का डिफरेंस हमको देखना है, ठीक। तो उसको हम लोग डेल्टा से, एवरेज को क्या डेल्टा से इंडिकेट करते हैं, समझ में आया। तो जैसे मान लीजिए अगर इसी का निकालना हो आपको, यहाँ पे दे दिए एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स क्या टू एन एच थ्री, इस तरह से दे दिए, राइट। तो इसका निकालना हो क्या एवरेज रेट, तो कुछ करना नहीं है, बस वही करना है, सिर्फ डेल्टा लगा देना, तो क्या हो जाएगा इसका अगर आर बार निकाल ले तो माइनस डेल्टा एन टू अपॉन डी टी वन बाई थ्री माइनस डेल्टा, क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एस टू अपॉन
हो जाएगा, यहाँ से लगा सकते हैं डेल्टा S2 अपॉन DT, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 डेल्टा NS3 अपॉन क्या हो जाएगा आपका DT हो जाएगा। मतलब कुछ डिफरेंस नहीं है, बस आपको स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये क्या हो गया एवरेज का, अब बात करते हैं क्या इंस्टेंटेनियस, क्या इंस्टेंटेनियस, तो नाम से ही है इंस्टेंटेनियस, मतलब उसी क्षण का बताओ जिस समय जिस क्षण का हम पूछ रहे हैं, मतलब उसी टाइम का या उसी सेकेंड का बताओ जिस सेकेंड का हम पूछ रहे हैं या जिस सेकेंड का हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो क्या हो गया इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या है, बहुत छोटा सा यूनिट है ना, मतलब बहुत छोटा सा यूनिट है, उसके लिए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे डी यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे डी। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर बोले इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस रेट रेट राइट, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, बस क्या यूज़ करेंगे DC/DT जो पहले बात किए थे। जैसे यहाँ पे निकालते क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे DT, सॉरी यहाँ पे डेल्टा टी उसमें लिखना था, उसमें क्या करना था माफ कीजिएगा हम नहीं देख पाए यहाँ पे उस इसके लिए क्या हो जाएगा डेल्टा, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा डेल्टा और डेल्टा राइट, उसके लिए इसमें क्या हो जाएगा सब में DT हो जाएगा, DT और DT, बस यही था। समझ में आ गया ना क्या एवरेज और इंस्टेंटेनियस, कुछ नहीं था, सिर्फ सिंबॉलिक डिफरेंस था, बाकी आपको बस यही समझना है। हालांकि आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंस्टेंटेनियस क्या होता है या क्या बोलते हैं एवरेज रेट क्या होता है, ये आपसे नहीं पूछने वाला है। चलिए तो बात करते कुछ और, आप देख सकते हैं अगर हम बात करें क्या इसका ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या रिप्रेजेंटेशन, ठीक। इससे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आप काफ़ी ये अच्छा बन जाता है टॉपिक, देख सकते हैं। जैसे हम बात करें पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे क्या लेते हैं कंसंट्रेशन लेते हैं, क्या इनिशियल कंसंट्रेशन, किसका इनिशियल, मतलब इसे देख सकते हैं रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट, इधर क्या लिए इधर लिए आपका हम टाइम लिए, क्या लिए टाइम लिए, तो रिएक्टेंट ये क्या टाइम। अब देख सकते हैं रिएक्टेंट क्या होता है, टाइम के साथ क्या करता है डिक्रीज करता है, तो मानते हैं जब टाइम जीरो था उस समय कहीं ना कहीं उसका जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो काफ़ी मतलब हाई पर रहा होगा, तो उससे अगर आप कहीं इस तरह से जाएगा जाएगा ना। और ये हम अगर हम बात करें किसका प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट का यहाँ पर टाइम, तो क्या हो जाएगा आपका निकालेंगे तो ये क्या कर रहा है, पहले क्या था जब टाइम जीरो था प्रोडक्ट कुछ नहीं था, जब टाइम स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया ये इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, क्या हो जाएगा इस तरह से ठीक। ये किसका अगर आप इसको देखिएगा तो ये एक तरह से इक्विलिब्रियम अगर पढ़ेंगे अगर आप लोग NCERT बुक देखे होंगे उसमें तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, उसी तरह का ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है, किसका रिएक्टेंट टाइम प्रोडक्ट यहाँ पे टाइम, किसका प्रोडक्ट ग्राफ है, ये किसका रिएक्टेंट का, ये हो गया। अगर हम बात करें दोनों को समर्ज करते, क्या करते दोनों को समर्ज एक साथ, क्या हो जाएगा देखा जाए तो ये किसका था रिएक्टेंट का, ये किसका था प्रोडक्ट का राइट, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ये किसका आपका प्रोडक्ट का, किसका प्रोडक्ट का ठीक, प्रोडक्ट का ये किसका आपका रिएक्टेंट का, किसका रिएक्टेंट का। ये जो पॉइंट है ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये जो पॉइंट शो कर रहा है इस पॉइंट के बाद क्या हो रहा है आपका रिएक्टेंट का अमाउंट क्या हो रहा है, मतलब जब टाइम बढ़ा रहे हैं, क्या जब टाइम बढ़ा रहा है टाइम, ये टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम बढ़ाने में क्या हो रहा है रिएक्टेंट का अमाउंट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है। ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के बाद क्या हो रहा है दोनों का अमाउंट क्या कर रहा है, मतलब कि ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, हालाँकि स्टार्टिंग में ये बढ़ ही रहा था लेकिन इससे कम था, लेकिन इस टाइम के बाद क्या हो रहा है प्रोडक्ट हमेशा कंसर्न क्या बोलते हैं रिएक्टेंट से ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये करा ये क्या आपका कंसंट्रेशन ठीक, ये क्या प्रोडक्ट है, ये आपका क्या है रिएक्टेंट। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। अब इसमें कुछ और बात कर लेते, क्या बात कर ले, हाँ थोड़ा सा स्लोप बात करते, क्या स्लोप, अब देख सकते हैं स्लोप बात करें, स्लोप क्या करेंगे इस तरह से ठीक, ये यही ना,
आपको पता है ये क्या हो, टीटा टीटा मीन्स क्या, टेन टीटा, टेन टीटा क्या होता है, पी बाई बी, ये पी ये बी, ये क्या हो जाएगा, पी बाई बी, पी बाई बी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, मान इसका नाम दे दिया हम ओ, यहाँ पे ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिए, क्या हो जाएगा आपका ओ बी बाई ओ ए, ये यही ना हो जाएगा। ये टेन टीटा क्या है आपका, रिएक्टेंट बाई टाइम, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, इसको रिएक्टेंट बाई टाइम भी इसको आप बोल सकते हैं, इक्वल टू ओ बी बाई ओ ए, राइट, ओ बी बाई ओ ए। इस पर हम एक क्वेश्चन अभी करवा देंगे, इसका निकालने से यही बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये आप इसको देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, क्या कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। तो मान लीजिए आपको बता दें पहले कि जो स्लोप होता है ना, स्लोप का दो फॉर्मूला होता है, क्या स्लोप जो होता है, पर इसको मिटा देते हैं, ये तो लिख लिया ना आप लोग, चलिए अब देखिए स्लोप जो होता है, स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, ठीक। एक और स्लोप क्या होता है, स्लोप इक्वल टू, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या होता है, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, यही ना होता है। ये दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, इसमें आपको यूज आएगा। जैसे एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये राइट, मान लीजिए ये कोई क्वेश्चन है, एस टू प्लस, एस टू प्लस आई टू गिव्स टू एच आई, इस तरह से राइट। यहाँ पे बोल रहा है क्या, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे बोल रहा है कि किसका है कंसंट्रेशन है, एस टू का है, किसका है, एस टू का। यहाँ पे क्या आपका टाइम दिया हुआ, क्या दिया हुआ, टाइम। और आपका ये बोल रहा है इस तरह से जा रहा है ग्राफ, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, सॉरी इस तरह से ग्राफ जा रहा है, ठीक। एक टाइम में यहाँ पे, ठीक, एक और टाइम में यहाँ पे, राइट। यहाँ पे 5 सेकेंड, यहाँ पे 10 सेकेंड, यहाँ पे मान लीजिए 10 कंसंट्रेशन है, क्या होगा, मोल पर लीटर, क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये कितना मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 20, ठीक। पूछेगा क्या, पूछा पलावत, ये क्या पूछा, आर ओ आर ऑफ आई टू एंड एच आई, आसान क्वेश्चन है। वो करना क्या, इसका रेट ऑफ फ्लक्स किसका निकालना है, आई टू का और किसका, एच आई का। तो पहला बात आपको क्या निकाल, ये निकालना आता है ना, आर ओ आर क्या होगा आपका, डी एच टू आई टू डी टी डी आई टू डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू डी एच आई बाई डी टी, राइट। ये हो गया, तो क्या करना है आपको, आपको पता है ये क्या आपका, ये वाई एक्सिस होता है ना, ये एक्सिस होता है, ठीक। ये आपको क्या दिया हुआ, ये एक्स टू है, ये एक्स वन है, ये क्या आपका वाई टू है, ये वाई वन है। अगर निकालना चाहे क्या, डी एच टू अपॉन डी टी, ये टाइम है ये, तो क्या हो जाएगा डी, ये तो क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से क्या हो जाएगा, 20 माइनस 10 बाई कितना हो जाएगा, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 10 बाई 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या करना है आपको, ये वाला कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से क्या आप यहाँ निकाल सकते हैं, तो ये 2 तो ये भी 2 होगा, क्यों, दोनों का कोफिशियंट सेम है, तो ये 2 तो ये भी 2, समझ में आ रहा है ना। माइनस, हाँ एक चीज़ और आपको मन में आया कि यहाँ पे माइनस क्या है, तो माइनस सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। हम वैल्यू कभी निगेटिव आंसर में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो जो निगेटिव क्या शो कर रहा है मेरा, सिर्फ टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, ना कि हम उसका आंसर भी निगेटिव मिलेंगे, समझ में आया। तो सिर्फ कंसिडर किस मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, ये 2 हो जाएगा, इस तरह से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, डी एस टू बाई, इस एक काम करते हैं ना, तो इसको इरेज कर रहे हैं, ये हो गया, तो इसको मिटा लें, मिटाए नहीं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, डी एस टू और डी टी इक्वल टू,
इसको तो मिटा देते हैं, डी आई टू डी टी, राइट, ये हो गया, ये हो गया। तो जितना ये दिया उतना तो ये हो जाएगा ना, इसका तो निकल जाएगा। इक्वल टू क्या दिया, वन बाई टू डी एच आई बाई एच आई बाई डी टी, ये कितना था, टू है, ये कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे, टू इंटू टू क्या हो जाएगा, डी एच आई बाई डी टी, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर। आसान क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था, बस एक प्रैक्टिस कराना था। तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए कुछ, अब बहुत अच्छे से एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, क्या कुछ अच्छा सा एग्जांपल जो एडवांस के लिए आता है, जो इस बार जेईई में क्वेश्चन से पूछा हुआ है, तो उसको हम डिटेल में तो डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कुछ अच्छा अच्छा कंसेप्ट के बारे में, जिससे एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। सी ये हो गया, ठीक, ये हो गया ना। इसका अगर हम आर ओ आर निकाले, क्या निकाले, आर ओ आर, तो क्या हो जाएगा आपका, वन बाई एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे लगा देते हैं, माइनस डी ए बाई डी टी, फिर क्या हो जाएगा, इक्वल टू, ये हमें आ रहा होगा, वन बाई वाई डी बी बाई डी टी, ठीक। अब क्या करिए, इसको यहीं छोड़िए, इसको वहाँ ले जाइए, क्या लिख सकते हैं इसको, डी ए माइनस डी टी, क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई वाई इंटू डी बी बाई डी टी, राइट। अब यहाँ पे क्या कीजिए, टेकिंग लॉग, क्या टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, अब इसका जो पहला लेक्चर था, इसी कारण से हम लॉग पहले क्या पढ़ा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, डी क्या हो जाएगा, आप सिंपल लॉग टेन डी माइनस ए बाई डी टी इक्वल टू आ जाएगा लॉग डी बी बाई लॉग डी बी बाई डी टी प्लस इंटू है ना, तो क्या प्लस हो जाएगा लॉग एक्स बाई वाई। अरे आप इतना को नोट कीजिए, इतना को नोट कीजिए जल्दी से, चल जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए। अब क्या करेंगे, इस पर क्वेश्चन करवाएंगे, जो जेई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो अभी हम करवाएंगे, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन है 19 का क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था, बोला था क्या, विचार तो ए और बी को मैच करना है, आपको ये सब दिया हुआ है, ठीक। आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, अगर बनाना चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इसको ट्राई कीजिए, अगर बन गया तो ऑप्शन मेरे से मैच कीजिएगा, देख लीजिएगा। देखिए अभी हम क्या बताए थे, यही ना बताए थे, यही लिखे हुए थे, ठीक, क्या था, यही था, सिर्फ यहाँ पे क्या था, प्लस लॉग एक्स बाई वाई था, यही था ना, ये सेम था, प्लस यहाँ पे एक्स बाई वाई, बस यहाँ पे इसका कितना दिया हुआ है, कितना 0.3। तो आप अगर मेरा कल का लेक्चर देखेंगे, लॉग कितना का वैल्यू 0.3 होता है, कितना का होता है, लॉग 2 का होता है, और लॉग 2 ये कितना, तो कहीं ना कहीं एक्स बाई वाई जो होगा क्या होगा, 2 होगा, समझ में आ रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, ये लॉग एक्स बाई वाई है ना, तो लॉग एक्स बाई वाई, तो लॉग एक्स बाई वाई मतलब क्या, वहाँ पे क्या होना चाहिए, मतलब दोनों एक्स बाई वाई का वैल्यू कितना चाहिए, 2 आना चाहिए, और 2 आएगा तभी तो लॉग 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.3 होता है ना, तो हमको क्या चाहिए, लॉग एक्स बाई वाई 2 चाहिए। अब आपको करना है क्या, बस यही रिएक्शन को देखना है, आपको पता करना है, तो आपको बता दे ये क्या है, कितना है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या आपका, आपको क्या करना है, एक्स बाई वाई, मतलब कहेंगे क्या करना है आपको, एक्स बाई वाई करना है, तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से एक्स कितना लेना है, एक्स टू आना चाहिए, वाई कितना आना चाहिए, और वन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एक्स टू वाई वन। देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे बैलेंस देखिए, यहाँ पे वन है, और यहाँ पे अगर टू से करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे टू से करेंगे, यहाँ पे वन, ये बैलेंस है, समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, जैसे यहाँ देख लीजिए, सी टू एच फोर
गिब्स, क्या हो जाएगा आपका C4H, कितना H8 लेते, क्या लेते H8, तो C4H8, तो C2H4 और C4H8, ये तो बैलेंस नहीं है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे X2Y1 क्या जाएगा इसका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आप इसको नहीं लिख सिक सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन था, हालांकि आपको तो ये क्वेश्चन इजी लगा होगा क्योंकि अगर आप अभी बताएं हैं तो इजी लगा होगा, कितना क्वेश्चन कितना बच्चा से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था, तो आप इसको नोट कीजिए पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, चलिए इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। ये भी क्वेश्चन किसका है, JEE 2019 का क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए क्या बोल रहा है, आप पहले पढ़ लीजिए इसको आराम से, चलिए हम पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ रिएक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4। इक्वेशन दिया हुआ है क्या, 2N2O5 गिव्स 4N2 प्लस O2 गैस। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इज क्या, 3 मोल पर लीटर एंड इट इज 2.75 मोल पर लीटर, लिखना भूल गए थे, मोल पर लीटर, क्या पर लीटर, आफ्टर 30 मिनट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ठीक, आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, देखिए क्या करना है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इनिशियल कितना दे कंसंट्रेशन, और इसका हम निकालना चाहे रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा आपका, निकालना चाहे क्या हो जाएगा, डेल्टा, आप डी भी ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। हम डेल्टा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि क्या है आपका, ये क्या बोल रहा है आपका, एक तरह से देखा तो इंस्टेंटेनियस बोल रहा है, कैसे, ये 3 मोल है, ये कितना है, 3 मोल पर लीटर, कितना 2 पॉइंट, लेकिन कितना 30 मिनट में, तो 30 मिनट एक गैप होता है, उसके लिए हम क्या डेल्टा यूज़ करेंगे, तो डेल्टा क्या हो जाएगा आपका, 1/2 माइनस में N2O5 बाई डेल्टा टी, राइट, इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO2। ठीक, इक्वल टू क्या जाएगा, O2 डेल्टा O2 बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी। अब बोल रहा है क्या इसका कंसंट्रेशन, ठीक, अब यहाँ पे अब देख लीजिए क्या बोल रहा है, जो N2O5 है, N2O5 का जो कंसंट्रेशन है, यही बोल रहा है डेल्टा अपॉन, क्या बोल रहा है, इस तरह से कितना दे रहा है आपका, पहले कितना था, 3 था, तो 3 माइनस, बाद में कितना है, 2.75 बाई कितना का टाइम इंटरवल है, डेल्टा टी कितना है, 30 मिनट, तो इसको किस में करेंगे, पहले सेकेंड में करेंगे, क्यों, अच्छा हाँ एक चीज़ और बच गया क्या, यूनिट के बारे में, तो हम पहले बात कर लेते हैं, पहले देख लीजिए ये 30 मिनट, तो 30 मिनट को क्या करेंगे सेकेंड में, कितना हो जाएगा सेकेंड करेंगे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा आपका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.25/1800 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा पता है, सॉल्व करेंगे तो 25 1/4, ठीक ना, इंटू एक काम करते हैं ना, इसको हम इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर, और आगे बताएंगे, जल्दी से नोट कीजिए, चलिए नोट कर लिए होंगे, हो गया ना इतना, इसका क्वेश्चन को मिटाते हैं सबसे अच्छा। अब देखिए ये किसका निकल गया, इसका किसका, इसका पूछा था ना रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन क्या NO2 का। अब देखिए इस दोनों में क्या है, आप माइनस क्या बोल, माइनस मीन्स क्या है, सिर्फ आपका ये दिखा रहा है कि ये टाइम के साथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, माइनस को आप यहाँ पे निगलेक्ट कर सकते हैं, अभी इसको हटा ही दीजिए, 2 से 2 कटेगा, कितना हो जाएगा डेल्टा N2O5 डेल्टा टी, राइट, ये 2 2 से इसको क्रॉस इंटू कर दीजिए, तो 2 इंटू इक्वल टू डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी, इस तरह से हो गया, ये कितना आया डालिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.25/1800 डेल्टा NO2 बाई
डेल्टा टी, ये जो आ जाएगा ये वाला, ये किसका होगा, इसका वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका आंसर। ठीक, तो ये रहा आज का लेक्चर। और हाँ, लास्ट में एक और टॉपिक बच गया छोटा सा, यूनिट से बात कर लेते हैं। हालांकि आपको पता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि पहली टाइम आप लोग पढ़ रहे हैं, अगर 12th के स्टूडेंट होंगे तो यूनिट बात कर देते इसका। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या बात किए थे, डी कंसनट्रेशन बाई डी टाइम, कितना था कंसनट्रेशन का, मोल पर लीटर, टाइम का क्या होगा, सेकेंड, क्या हो जाएगा निकालेंगे तो मोल लीटर इन्वर्स, ये मोल है ठीक, सेकेंड इन्वर्स ठीक। वहीं पे ये क्या था कंसनट्रेशन, वहीं पे अगर ये गैस हो जाए तो, जिससे बात करें क्या गैस के लिए, किसके लिए है, कंसनट्रेशन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक्वस के लिए, किसके, एक्वस के लिए, अगर वही गैस का बात करें क्या, गैस का आर ओ आर फॉर गैस, क्या यहाँ पे डी सी बाई डी टी, गैस के लिए क्या यूज करते, प्रेशर, क्या प्रेशर, सेकेंड इन्वर्स राइट। ये था, बस यही था। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए ठीक। और चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला जो वीडियो होगा, हालांकि अब डेली लेक्चर आएगा आपका डेली, हालांकि लेक्चर तो डेली आपका, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी होते जाएगा, तो आप लोग को भी बोर महसूस होगा, तो ये यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।